मैं इस वक्त मौजूद हूँ काहिलीपाड़ा में, जहाँ पर सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी ने इस बार आयोजन किया है। हर साल ही वो लोग आयोजन करते हैं और अलग अलग थीम लेके आते हैं। इस बार उन लोगों ने मूर्ति पे जो है ज़्यादा काम किया है। आप देख सकते हैं मूर्ति कितनी मनमोहक है, माँ की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, हर एक चीज़ इस मूर्ति में ख़ास है। और कमेटी मेंबर से जानेंगे कि इस बार जो मूर्ति और उन लोगों की क्या तैयारियाँ रही है, क्योंकि साल में एक बार वो लोग आयोजन करते हैं और इस बार क्या कहेंगे, कैसी। नमस्कार, मैं काहिलीपाड़ा दुर्गा मंडप कमेटी की ओर से सारे असम वासी को दुर्गा पूजा का हार्दिक बधाई देता हूँ। सबका मंगल करे माँ। और ये जो साल इस बार दुर्गा पूजा हम लोग 68 ईयर्स का सेलिब्रेशन कर रहा है, इसके लिए मेरा कमेटी की ओर से सारे असम वासी राइज को मेरा यहाँ पे आने के लिए मैं आमंत्रण देता हूँ। इसके साथ में हम लोग का 3 दिन का महरा प्रसाद का जुगाड़ हुआ है, प्लस कुछ सामाजिक कार्य भी करेंगे हम लोग। जैसे काल में हम लोग मेरा हम लोग का हिसाब से हम लोग 200 से 300 गरीबों को सारी दान करेंगे। ऐसा बहुत सारे कार्यक्रम में काल प्रोग्राम भी है, कल्चर प्रोग्राम भी है, ऐसे करके हर साल आप लोग बहुत बड़े स्तर पर करते हैं इस चीज़ को, दुर्गा पूजा, क्योंकि पूरा इलाका ही पूरा सम्मिलित होता है इस चीज़ में। और इस बार आप लोगों के लिए जैसा कि देखा जा रहा है, मौसम भी काफ़ी चैलेंज रहा, मौसम तो इस बार बहुत ही खराब था। बाद में भगवान को प्रार्थना किया, जो भगवान तुम जैसा चाहोगे ऐसा ही होगा, तो भगवान ने अच्छा चाहा, अच्छा जितना हम साथ में हो गया, माँ का आशीर्वाद पूरा मिल गया जी। और आपके कमेटी के और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार बजट कितना रहा और लोगों का कितना। इस बार हम लोग का बजट 13 लाख है, तो दूसरा बार से ज़्यादा है। आप देख रहे हैं हम लोग का कॉलोनी का मूर्ति बहुत हमारा है। ये है कॉलोनी का पूजा, हम लोग लोकलिटी के कलेक्शन कर पूजा करते हूँ। तो पहले तो हमारा दादा ने बोला है ऑलरेडी ये 67 ईयर चल रहा है दुर्गा पूजा, ये बहुत पुराना पूजा चल रहा है। तो सबका आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद माँ का पूजा होता है। हम लोग पूजा का 3 दिन सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन हम लोग पूजा का प्रसाद वितरण करता है। वो कोई लिमिटेड नहीं है, जो आएगा उसको दे रहा है। आने वाली थी कि इस बार क्राउड कितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फुटबॉल कितना। पार डे मोर देन 1000 क्राउड आता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। लास्ट डे नवमी में जिससे ज़्यादा कभी कभी बंडर से भी हो जाता है। हम लोग सबको भोजन करता है, कोई लिमिटेड भोजन नहीं है, जो जितना लेता है वही देता है हम लोग। और इस बार क्या मांग कर रहे हैं, माँ से क्या आशा रहेगी कि। माँ से एक ही आशा है, आशीर्वाद करिए, सब आदमी अच्छा से रहे, सब सुख शांति से रहे, कोई झमेला नहीं हो, कुछ नहीं हो, सब सुख रहे। तो अंकिता, ये सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी ने इस बार जो तैयारियां की है वो हमने दिखाया दर्शकों को, और साथ ही इन्होंने आह्वान किया है कि जो भक्त है और जो लोकल एरिया से भी है और जो बाहर बाहर से भी आते हैं, इस कमेटी की पूजा प्रसिद्ध है इस चीज़ के लिए, देखने के लिए। तो उनसे कमेटी वासियों का और लोगों का यही कहना है कि इस बार जो है लोग उनके तैयारी को सराहे और पूजा दर्शन करने आए यहाँ पे, क्योंकि यही 3 दिन है साल में जहाँ पर माँ धरती पे आती है और सबको आशीर्वाद देती है और सबके लिए कुछ ना कुछ, जो अपने आशा लेकर भक्त आते हैं और माँ के चरण में आते हैं शरण में, तो उस चीज़ को लोग सराहे और माँ का आशीर्वाद सभी को मिले। जी सुष्मिता, जैसा कि उन्होंने कहा कि 12 लाख खर्च किए गए हैं पूरे पंडाल के निर्माण में, तो जैसा कि आपने भी कहा था कि विशेष तौर पर मूर्ति को निर्माण करने में ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ज़्यादा आकर्षक बनाया गया है, तो उसको लेकर ऐसी कौन सी खास बात है मूर्ति में, क्या हम जान पाएंगे किसी कमेटी मेंबर से। जी बिल्कुल, ये मैं मूर्ति के बारे में आप ही से पूछूंगी, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं इसके। मूर्ति में इस बार क्या विशेषताएं हैं जो वो पूरा मूर्ति कुछ 16 का मूर्ति है। हाँ, पूरा डिजाइन पूरा 16 का हुआ है, थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली भी है मूर्ति का। हाँ, थर्मोकोल का नहीं, 16 जो होता है ना थर्मोकोल का नहीं है, पूरा 16 का। ये जो आप मुकुट देख रहे हैं मूर्ति का, सब 16 का हुआ है, तो थोड़ा इसलिए कॉस्टली भी ज़्यादा है। ये भी मूर्ति हम लोग का पूजा कमेटी के कोई एक डोनेट करता है। हाँ, पूरा मूर्ति उन्होंने डोनेट किया है। हम लोग का जो ढाकी है, ढाकी वा कोई आदमी हम लोग को डोनेट करता है। ज़्यादा आदमी डोनेट से ये पूजा होता है, और आदमी लोग से थोड़ा कुछ
डोनेशन लेता है, जो जितना देता है यहाँ कंट्रीब्यूशन, इसने कोई डिमांड नहीं है, 100 भी देता है, 10,000 भी देता है। और हम लोग का जो सामर्थ्य था, हम लोग का जो मेंबर लोग है, मेंबर लोग कुछ फीस देता है, कोई 10 कोई 5, ये देख के हम लोग का पूजा करता है। तो हम लोग का पूजा हर बार अच्छा ही होता है, सब में अच्छा बोलता है, तो आप लोग का ही हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोग इधर आए, ये पूजा का बारे में कुछ जानकारी लिए है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अंकिता, इनका कहना यही है कि जैसा मैं समझ रही हूँ और दर्शकों की भी थोड़ा बताना चाहूंगी कि ये लोग ज्यादा शो शांत में नहीं जाते और जो है लोगों के प्रति इनका जो लोगों को दान करने का प्रति, क्योंकि भगवान ही सबको जो कुछ है देते हैं और उसी चीज को ये बांटना भी चाहते हैं। और उसी तरह से जैसे उन्होंने बताया कि कल जो है गरीबों को और लोगों को दान दिया जाएगा, या फिर कुछ ये लोग साड़ी या फिर कुछ, क्यों त्योहार जो है वो सभी के लिए होता है, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए त्योहार नहीं होता है। तो ये लोग यही चीज चैरिटी में थोड़ा विश्वास रखते हैं, जैसा उनका कहना रहा कि ये लोग जो गरीबों को भी कुछ नए कपड़े या फिर खाने पीने का सामान ये लोग देंगे। और ये 3 दिन ऐसे ही, क्योंकि भगवान किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं आते, जैसा उन्होंने कहा, और ये पूजा का आनंद सबके लिए समान है।